शख्स मगरमच्छ के मुंह से डक्ट टेप निकालने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक मगरमच्छ की आंखें खुल गईं। माइक और उसकी गर्लफ्रेंड एक दिन तक पूल में फंसे रहे। टेप मिलने के बाद माइक वेंडी के घाव पर पट्टी बांधने के लिए दौड़ा। थोड़ी देर बाद वेंडी जाग गई, लेकिन भोजन और पानी के बिना वे अगले दिन भूख से मर जाएंगे। माइक को मगरमच्छ के पास कुछ मगरमच्छ एग्स मिला, इसलिए उसने बेहोश होने का नाटक किया। भूखा मगरमच्छ माइक की ओर रेंगने लगा। अगले ही पल मगरमच्छ उस जाल में गिर गया जिसे माइक ने पहले से लगाया था। माइक ने तुरंत नाली को ढक्कन से ढक दिया और फिर उन्होंने सोफे को बाहर निकलने के रास्ते पर दबा दिया, जबकि मगरमच्छ सीवर में फंस गया था। उन्होंने मगरमच्छ के अंडे पकाए और उनसे अपना पेट भरा, लेकिन अब बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता नाली के नीचे है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन सोफा हटाने के लिए जल्द ही मगरमच्छ बाहर आ गया। वेंडी ने मौके का फायदा उठाया और नाली में उतर गई। जब मगरमच्छ बाहर आया तो उसने फर्श पर अंडे के छिलके देखे। वह इतना गुस्से में था कि तुरंत माइक पर झपटा। सौभाग्य से माइक जल्दी था और नाली में घुस गया। आखिरी सेकंड में उन्होंने पाइप का पीछा किया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद था। माइक बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने के लिए पूल में वापस जा ही सकता था। इसी समय एक झोंके ने पूल के किनारे लगे लोहे के तार को उड़ा दिया। माइक ने कोशिश की किनारे पर चढ़ने के लिए इसका उपयोग करना था, लेकिन अचानक तार टूट गया। माइक पूल में गिर गया और बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो मगरमच्छ उसके पैर को काट रहा था। माइक ने अपने दूसरे पैर से जितना हो सके उतनी जोर से लात मारी। उसने एक बाल्टी पकड़ ली और मगरमच्छ के सिर पर मारा। मगरमच्छ को आखिरकार भगाया गया।